राकेश बापट शर्म से हुए लाल, वो भी शिल्पा शेट्टी का नाम लेकर, जानिए क्यों। जी हां, राकेश बापट से हाल ही में जब पूछा गया कि क्या उन्होंने शमिता शेट्टी की बहन शिल्पा शेट्टी से बात की है, इस पर राकेश बापट शर्माते नजर आए। राकेश बापट की मुलाकात शमिता शेट्टी से बिग बॉस ओटीटी में हुई है। राकेश बापट ने खुलासा किया कि उन्होंने शमिता शेट्टी की बहन शिल्पा शेट्टी से बात की है। राकेश बापट शमिता शेट्टी से बिग बॉस ओटीटी के दौरान नजदीक आ गए थे और शो के खत्म होने पर दोनों एक दूसरे को डेट करते नजर आए। यहाँ राकेश बापट को शमिता शेट्टी की माँ सुनंदा शेट्टी से बिग बॉस ओटीटी के एक एपिसोड के दौरान आशीर्वाद भी मिला। वहीं हालांकि शिल्पा शेट्टी ने अभी तक दोनों के रिश्ते पर कोई कमेंट नहीं किया। राकेश को जब हाल ही में एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उनकी मुलाकात सुनंदा और शिल्पा शेट्टी से हुई है, इस पर वह शर्माने लगे और उन्होंने कहा कि अभी उसकी बात मत करिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे लोग बेहद अच्छे हैं, मैंने कई बार उनसे बात की है। शमिता को अच्छा परिवार मिला है। शमिता शेट्टी ने कहा था कि उनका परिवार दोनों के लिए बहुत खुश है। शमिता शेट्टी कहती है कि मैं अपने परिवार की बात करूं तो वह बेहद खुश है कि मैं किसी से लंबे समय बाद जुड़ पाई हूं। वह मुझे खुश देखना चाहते हैं। उन्हें राकेश पसंद आया, अभी हम एक दूसरे को जान रहे हैं। ये बहुत जल्दबाजी होगी। बिग बॉस ओटीटी समाप्त होने के बाद शमिता शेट्टी बिग बॉस 15 में नजर आएंगी। इस शो को सलमान खान होस्ट करेंगे। राकेश बापट ने कहा कि उन्हें ये शो ऑफर हुआ था, हालांकि उन्होंने इसमें जाने से मना कर दिया। वे बिग बॉस ओटीटी के फाइनलिस्ट रह चुकी है। शमिता शेट्टी फिल्म एक्ट्रेस है, वह कई फिल्मों में काम कर चुकी है।